हेलो एवरीवन, दिस इज़ अफरोज बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM के जितने वेरिएंट हैं उन सब में BS6 मॉडल लॉन्च हो चुका है। सो आज हम कंपेयर करेंगे कि BS6 वेरिएंट में जो भी बाइक्स लॉन्च हुई हैं KTM की तरफ से उनका क्या प्राइस है और क्या चेंजेस आए हैं उनमें। चलिए बात करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको KTM में ग्राफिक एंड कलर में थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है आपको BS6 वेरिएंट में। आपको ड्यूक 125 और RC 125 में इंजन में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, बस आपको BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेगा विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 124.7 cc सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ ये मिलेगा आपको। वहीं पे अगर आप पावर की बात करें तो आपको पावर मिलेगा 14.5 PS विद अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 12 न्यूटन मीटर। आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलेगा एंड रेयर में 230 mm का डिस्क। ये सिंगल सिलेंडर ABS बाय बॉश के साथ आपको इन दोनों बाइक्स में सिलेंडर मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलेगा एंड रेयर में आपको मोनो सस्पेंशन मिलेगा। सो गाइज, अगर आप फ्यूल की बात करें तो आपको KTM ड्यूक 125 में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा एंड आपको RC में 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। सो KTM 125 ड्यूक जो BS6 वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,38,041 रुपीस। वहीं पे अगर आप BS4 मॉडल का एक शोरूम प्राइस देखें तो आपको ये मिलती थी पहले 1,32,500 रुपीस में। सो गाइस, प्राइस में थोड़ा सा आपको स्लाइटली डिफरेंस दिख रहा होगा, आपको BS6 थोड़ी सी महंगी है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे KTM RC 125 BS6 वेरिएंट के बारे में। सो इसके प्राइस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका BS4 मॉडल था उसका प्राइस था 1,48,750 रुपीस एंड इसके BS6 वेरिएंट का प्राइस है 1,55,277 रुपीस। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। KTM ड्यूक 200 और KTM RC 200, इन दोनों का जो BS6 वेरिएंट है वो लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्यूक में भी आपको काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है 200 में, कलर में एंड ग्राफिक में। आपको टैंक पे एक बड़ा सा फ्लैप दिखेगा जो कि चेंज है, ये नया है, इस बाइक में एडअप किया गया है। फ्रॉम दिस आपको कलर स्कीप में भी चेंजेस नज़र आते होंगे। चलिए बात करते हैं RC के बारे में। RC में भी आपको स्टिक रिंग एंड जो कलर फॉन्ट है, जो RC जो लिखा हुआ है टैंक से पूरे वाइजर तक, उसका भी फॉन्ट चेंज किया गया है। सो गाइज, यहाँ पे आपको ड्यूक मिल रहा था 199.5 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट विद अ सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन। अगर आप पावर की बात करें तो आपको पावर मिल रहा था यहाँ 25 PS एट 10,000 RPM। ब्रेक आपको 300 mm का डिस्क फ्रंट में मिल रहा था एंड रेयर में 230 mm का। एंड ड्यूक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है आपको BS6 वेरिएंट में। वहीं पर अगर सस्पेंशन की बात करें तो अपसाइड डाउन आपको सस्पेंशन मिल रहा था ड्यूक 200 में। अगर आप KTM ड्यूक 200 के कर्व वेट की बात करें तो इसका कर्व वेट है 150.3 किलोग्राम। वहीं पर अगर आप RC के कर्व वेट के बारे में बात करें तो आपको 154.4 किलोग्राम का कर्व वेट मिल रहा था। KTM ड्यूक 200 का BS6 वेरिएंट का प्राइस है 1,72,749 रुपीस। वहीं पे इसका BS4 मॉडल जो था उसका प्राइस था 1,62,253 रुपीस। वहीं पर अगर आप RC के बारे में बात करें तो RC के जो BS4 मॉडल था उसका प्राइस था 1,90,630 रुपीस और BS6 मॉडल जो है इसका लॉन्च हुआ है RC 200 का, उसका प्राइस है 1,96,768 रुपीस। सो यहाँ पे प्राइस में आपको 6,000 के आसपास चेंजेस नज़र आएंगे। चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे कैटेगरी की तरफ। KTM ड्यूक 250 को कंपेयर करते हैं इसके BS6 वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस हुए। सो इस बाइक में आपको थोड़े बहुत कलर ग्राफिक चेंजेस मिलेंगे। यहाँ आपको इंजन स्पेसिफिकेशन मिलेगा 248.8 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन। वहीं अगर आप पावर की बात करें तो आपको 30 PS का पावर मिलेगा एंड 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस बाइक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ग्राफिक में काफ़ी चेंज है। अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा यहाँ पे फ्रंट में 320 mm का डिस्क एंड रेयर में आपको मिल रहा है 230 mm का डिस्क। वहीं अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको ओपन कार्टलेज USD सस्पेंशन मिलेगा एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिलेगा। वहीं अगर आप इसके कर्व वेट की बात करें तो इसका कर्व वेट है 161.1 kg एंड BS6 का फ्यूल टैंक है 13.4 लीटर का।
सो अगर आप प्राइस के बारे में बात करें तो KTM ड्यूक BS6 का एक शोरूम प्राइस है 2,576 रुपीज़। अगर आपको BS4 से कंपेयर करेंगे तो BS4 1,97,248 रुपीज़ का आ रहा था। सो यहाँ पे भी आपको प्राइस हाइक मिल रहा है। सो नेक्स्ट जो बाइक है वो है KTM 390। KTM 390 में आपको टैंक फ्लैप का काफ़ी हद तक चेंज नज़र आएगा। इसका जो टैंक फ्लैप है थोड़ा और बड़ा हो गया है। इसमें आपको ग्राफिक चेंजेस मिलेंगे, कलर चेंजेस मिलेंगे एंड टैंक का टोटल शेप आप एक तरह से कहें तो चेंज नज़र आएगा। अगर आप बात करें KTM 390 के फीचर्स के बारे में तो आपको राइड बाई वायर स्लीपर क्लच डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो TFT डिस्प्ले और LED लैम्प हेडलैम्प्स मिलेंगे इसमें आपको। वहीं अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको 373 cc का सिंगल सिलेंडर फुल वॉल्व लिक्विड कूल्ड FIDOHC इंजन मिलता है इसमें और पावर आपको 43.5 PS का और टॉर्क 37 Nm का टॉर्क मिलेगा। अगर आप इन बाइक के ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करें तो 320mm का डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगा एंड 230mm का डिस्क आपको रियर में मिलेगा। यहाँ पे डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा आपको इस बाइक में। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको WP ओपन कार्टलेस SD सस्पेंशन मिलेगा एंड रियर में आपको WP मोनोशॉक मिलेगा। वहीं अगर आप KTM ड्यूक BS6 का अगर आप KTM 390 ड्यूक BS6 के वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कर्व वेट मिलता है इस बाइक में 163 kg का और आपको अगर RC 390 BS6 का कर्व वेट देखें तो आपको 166.8 kg का कर्व वेट दिखेगा। आपको KTM 390 ड्यूक का जो फ्यूल टैंक है वो है आपका टोटल 13.5 लीटर का एंड अगर आप KTM RC 390 BS6 का फ्यूल टैंक देखेंगे तो आपको 9.5 लीटर का टैंक मिलेगा। सो KTM 390 ड्यूक BS6 का जो प्राइस है, इस बाइक का प्राइस होने वाला है एक शोरूम 2,52,928 रुपीज़। अगर आप इसके BS4 से कंपेयर करेंगे तो उसका पहले प्राइस था 2,48,212 रुपीज़। अगर आप RC 390 BS6 वेरिएंट के अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस था 2,48,275 रुपीज़ एंड इसका BS4 का जो प्राइस है वो है 2,44,014 रुपीज़। सो गाइस, ये जो बाइक आप देख रहे हो स्क्रीन पे अभी, ये है KTM 390 एडवेंचर। ये बाइक बनाई गई है स्पेसिफिक और स्पेशली टूरिंग पर्पज़ से। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अकिन कर रही है आपको ड्यूक 390 से, पर इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 373 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करें इसके पावर की तो 43 bhp का पावर और 37 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलेगा। ये बाइक काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है सो दैट आप कंफर्टेबली राइड कर पाएँ लॉन्ग ट्रिप पे। ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है तो इसमें जो आगे विंडशील्ड है वो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है आपको अच्छे कंफर्ट के लिए, अच्छी सिटिंग एंड आपको साइलेंसर भी काफ़ी चेंज मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 200mm का मिलेगा विद अ फ्रंट डिस्क ऑफ 320mm एंड रियर डिस्क ऑफ 230mm। अगर आप बात करें इस बाइक के फीचर के बारे में सो आपको यहाँ मिलता है कॉर्नरिंग ABS, ऑफ रोड ABS, KTM माई राइड मोबाइल कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन एंड क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर आपको हेल्प करता है आपको गियर चेंज करने में। जब भी आप गियर अप से डाउन करते हैं या डाउन से अप जाते हैं तो आपको एक स्मूथ शिफ्टिंग देता है ये। KTM 390 एडवेंचर का जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में वो है 2.99 लाख रुपीज़, यानी समय अराउंड 3 लाख रुपीज़ के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। इसमें आप 10-15,000 ऐड कर दीजिए जो इसका ऑन रोड प्राइस होगा। सो गाइज, ये वीडियो थी आपके KTM के सारे बाइक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक सच वीडियोज़। बहुत लंबी वीडियोज़ होती है, एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइज, जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड लव। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।